Hi friends, I welcome you all at Crack Grade B. I welcome you all once again in 2021. और जो आपकी विशेष हैं और जो आपकी इच्छाएं हैं और जो भी एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं, ईश्वर की कृपा से वो एग्जाम आपका निकले इस 2021 में. यही आशा के साथ मैं एमसीक्यू लेबर ऑन कोर्ट्स की एक चेन, एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें केवल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है लेबर कोर्ट्स पर बेसिस, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा. फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट हमने अपनी मटेरियल पर 25% का डिस्काउंट अनाउंस किया है, जिसमें जिनकी कॉस्ट पहले 1699, 1499, 1299 और 100 हुआ करती थी, उनकी कॉस्ट को रिड्यूस करके हमने 1299, 1099, 899 और 799 में कन्वर्ट कर दिया गया है, उनको उस लेवल तक रिड्यूस कर दिया गया है. अगर आप तीनों के तीनों मटेरियल लेना चाहते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 1299, और इफ यू वांट टू परचेज ओनली वन इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज एंड जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इट विल कॉस्ट यू 1099. इफ यू वांट टू परचेज ओनली इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज सोशल सिक्योरिटी, इट विल कॉस्ट यू 899. एंड इफ यू वांट टू परचेज, अगर आप इसको ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपको 799 रुपए में तीनों मटेरियल अवेलेबल किए जा रहे हैं. सबसे बड़ी चीज, हमने इसके अंदर अपने लेबर कोड को अपडेटेड फॉर्म में दिया है और टू द पॉइंट एक्सप्लेन किया है. इंडियन इकोनॉमी के पार्ट को, जो स्टैटिक पार्ट है, बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में समझाया गया है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ द मिनिमम वेज डिफाइंड अंडर द कोड ऑन वेजेस. योर ऑप्शंस आर डीएमएस अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस. आई एम टॉकिंग अबाउट कि मिनिमम वेज के अंदर किन तीन कंपोनेंट को रखा गया है या नहीं, ये आपको देखना है, या इन तीनों में से कौन कौन से कंपोनेंट को रखा गया है. ए ए एंड बी, बी बी एंड सी, सी ए एंड सी, और डी ओनली सी. इसका आंसर होगा दोस्तों ए और बी. डीएमएस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस दोनों को रखा गया है, इसका आंसर है ए. ठीक है, ये मैंने अपनी वीडियो जो डाले हैं पिछले, उसमें भी एक्सप्लेन किया है. फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. डेफिनेशन ऑफ वेजेस के अंदर बेसिक पे डीएमएस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस को कंपोनेंट के फॉर्म में लिया गया है, बट ये जो है ये नॉट इंक्लूडेड है. द फर्स्ट जो मैंने ऑप्शन रखा था, कन्वेयंस अलाउंस, वहां पर इंक्लूड नहीं है, और ये सारे के सारे पॉइंट्स भी उसमें डेफिनेशन ऑफ वेज के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे. ओके, तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, वॉट कंपोनेंट विल गवर्नमेंट टेक इन टू अकाउंट वाइल डिसाइड द फ्लोर वेज. आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. द कंपोनेंट आर ज्योग्राफिकल एरिया, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड अराउंडनेस ऑफ द वर्कर. इसका आंसर आपको बताना है, ए और बी होगा, तीनों होंगे, या फिर ए और सी होगा, या केवल और केवल डी होगा. द आंसर विल बी बी, क्योंकि ये तीनों के तीनों फैक्टर्स को गवर्नमेंट कंसीडर करेगी जब वो फ्लेयर वेज को डिसाइड करेगी. ओके, आपको यह एक्सप्लेनेशन दे दे रहा हूं. ज्योग्राफिकल एरिया, स्किल्स ऑफ वर्कर, अराउंडनेस ऑफ वर्कर्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसके बाद कंसल्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड से, तब जाके वो अपना डिसीजन देगी फ्लोर लेवल को डिसाइड करने में. ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल कंस्टिट्यूट अ टेक्निकल कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्किल कैटेगराइजेशन. It will be constituted of following members. Okay, and who is not the member of the committee? मैंने आपको चार ऑप्शन दिए, इसमें से एक मेंबर ऐसा है जो उस कमेटी के अंदर नहीं है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है. कमेटी में कौन सी कमेटी की बात कर रहा हूं, टेक्निकल कमेटी की. आप इसको देखना, ये जो गवर्नमेंट के रूल आए हैं उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन है. देखिए, एक्ट गवर्नमेंट ने दिए हैं, रूल भी दिए हैं, तो एक्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके मेन प्रोविजंस को पढ़ना है. रूल में मैंने देखा है कि रूल के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं तो आप थोड़ी बहुत पढ़ सकते हैं. तो रूल के बेसिस पर एक क्वेश्चन है, टेक्निकल कमेटी पे क्वेश्चन दिया गया है. अब ऑप्शन देखते हैं कि उस कमेटी में कौन कौन होगा. कमेटी किस लिए फॉर्म हुई है ये मैं आपको समझा देता हूं. हमारे यहाँ तीन तरह के वर्कर्स होते हैं, स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड. ओके, तो स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह के लोग होंगे. अब ये कैटेगराइज इनको करना है कि कौन स्किल्ड है, कौन अनस्किल्ड है, ये कौन डिसाइड करेगा. तो उसके लिए टेक्निकल कमेटी फॉर्म की गई है, तो उनके मेंबर्स के बारे में यहां पर बात हो रही है. उसके मेंबर कौन कौन से होंगे, एक तो बता रहा है ये चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल,
चेयरपर्सन होगा उसका, ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये होगा कि नहीं होगा ये आपको देखना है, बताना है, बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, क्योंकि सेक्रेटरी को इस कमेटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। कौन कौन से मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है? चीफ लेबर कमिश्नर को किया है, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो मैंने ऑप्शन दिया था, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, टू टेक्निकल एक्सपर्ट्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट लगता है जो एक्सपर्ट है वो उसको नॉमिनेट करेगी, एंड द डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर सेक्रेटरी की बात कहीं नहीं की गई है, केवल डिप्टी सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी को कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस कमेटी के अंदर दी गई है। ओके, तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था। इंडिपेंडेंट मेंबर्स डिफाइंड अंडर एडवाइजरी बोर्ड इज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। देखिए एडवाइजरी बोर्ड के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन पहले भी दिया था, पर अभी रूल्स में इसमें इसको मोर एलोबरेट किया गया, डिफाइंड किया गया है कि कौन कौन से मेंबर यहाँ पे हो सकते हैं, इस पर ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है। जल्दी से इसके ऑप्शन देखते हैं। द चेयरपर्सन, द टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, फोर मेंबर्स ईच ऑफ होम शैल बी अ प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ वेजेस and labor related issues, the extent possible has been taken in the rotation from the state. इसका मतलब ये हो गया कि स्टेट से कुछ एक्सपर्ट या कुछ मेंबर्स लिए जाएंगे जो रोटेशन बेसिस में यहाँ काम करेंगे, या फिर ये ऊपर तीनों जो मैंने नंबर बताए हैं वो सबके सब हैं, सारे के सारे हैं। यस, इसका आंसर होगा डी, कि सारे के सारे जो लोग हैं उस एडवाइजरी बोर्ड को कंस्टिट्यूट करेंगे। देखिए एक्ट में इसमें केवल ये बोल दिया है कि एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और इंडिपेंडेंट पर्सन, जिसमें से भी वुमेन्स को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, बट इसमें उन्होंने इसको बहुत एलोबरेट किया है और बताया है कि कैसे कंस्टिट्यूट होगा ये। आप थोड़ा सा रूल का ये पोर्शन जाके देख लेना, बाकी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कौन कौन से मेंबर होंगे। चेयरपर्सन होगा, टू मेंबर्स फ्रॉम पार्लियामेंट, फोर मेंबर्स शैल बी प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ वेजेस एंड लेबर, यस चार मेंबर होंगे जो एक्सपर्ट होंगे, वन मेंबर हु इज और हैज बीन अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से भी एक मेंबर लिया है, टू मेंबर्स ईच होम शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ सच स्टेट एडवाइजरी बोर्ड टू बी सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 42 टू द एक्सटेंट पॉसिबल हैज टेकन इट टू रोटेशन बेसिस, ये भी मैंने आपको ऑप्शन में दिया था। तो ये रूल में उन्होंने डिफाइन किया है, यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, एडवाइजरी बोर्ड कंस्टिट्यूट अंडर द कोड ऑन विच इज कैन बी एडवाइज, कैन एडवाइज गवर्नमेंट ऑन फिक्सेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इससे पहले क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था कि जो एडवाइजरी बोर्ड है उसमें जनरल लैंग्वेज में बोल दिया था कि वुमेन्स जो है इंडिया में उनको आगे बढ़ाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, इस पर ये गवर्नमेंट को सजेस्ट करेगा, एडवाइस करेगा। बट इसके अलावा इसके और भी काम है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट और सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज है, क्या ये इनके फिक्सेशन में भी एडवाइस करेगा करेगा या नहीं करेगा, इस पर एक क्वेश्चन बेस्ड है। तो ये आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए इसका आंसर होगा दोस्तों बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये वर्किंग जर्नलिस्ट और सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज को भी एडवाइस करेगा, इनके सैलरी के लिए, इनके बेसिक के लिए भी ये एडवाइस करेगा। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से था दोस्तों आपके लिए। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर क्या है, इन एडिशन टू द फंक्शन स्पेसिफाइड इन द सबसेक्शन 42, इतना ज्यादा लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, टफ अपने को थोड़ा थोड़ा देखना है कि अब देखो यहाँ क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइज द गवर्नमेंट, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन द इशू रिलेटेड टू द फिक्सेशन ऑफ द मिनिमम वेज फॉर द वर्किंग जर्नलिस्ट एज डिफाइंड इन क्लॉज एफ ऑफ द सेक्शन 2। ओके, और सेकेंड कंडीशन फॉर द सेल्स प्रमोशन employee as defined in clause D of the section 2 of the sales promotion। तो कहने का मतलब ये हुआ कि working journalist और sales promotion employee जो दोनों हैं, उनके case में भी central advisory board जो है वो suggestion देगा for fixing the minimum wage। तो ये था मेरी तरफ से दोस्तों आपके लिए आज के लिए। तो thank you and happy learning, पढ़ते रहिए। अब आपको regular questions मिलेंगे, इस पर regular question मैं डालूंगा अपने इस channel पे, graduate के पर। okay?